8 फरवरी को इलेक्शन हमारे जीतने और 9 फरवरी को हराए जाने की कहानी तो ज़बान सदे आम है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का एक बड़ा इशू भी चल रहा है। अब एक नया बात की जा रही है कि जी ओहो, फॉर्म 45 की हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और हम अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में नहीं जा रहे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में तो हमारी तमाम कैंडिडेट्स गए हुए हैं, वकला गए हुए हैं। सिंध की, जिसमें से कराची शहर की 20 सीटें और हैदराबाद की 2 सीटें फॉर्म 45 के तहत हमारे उम्मीदवार जीते हुए हैं एमएनए की, और तकरीबन 38 सीटें, तकरीबन सिर्फ एमपीए के लिए कह रहा हूँ, एमपीए एमएनए की तो एक एक सीट का रिपोर्ट रिजल्ट कंपाइल होकर हमारे हाथ में मौजूद है। 38 सीट, 22 एमएनए की सीट्स और 38 एमपीए की सीट्स, उसके ऊपर फॉर्म 45 पे हम जीते हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अब बात हो रही है कि जी किसी के पास है तो दिखाओ। अब मैं बात करूँ अगर हल्का NA 238 की, अपने हल्के की, मैं इस वक्त अपने के वकील साहब के ऑफिस में आया हुआ हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, जिसको शौक है ओरिजिनल फॉर्म 45, सारे ओरिजिनल फॉर्म 45 हमारे पास इस बैग में जमा है। सारे ओरिजिनल फॉर्म 45, ओरिजिनल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, ये इसके अंदर मौजूद है। और किसी को भी शौक है फॉर्म 45 की फोटो कॉपीज का, तो ये हमने फॉर्म 45 की फोटो कॉपीज के सेट भी बना के रखे हुए हैं। हल्का 238 में जो वोट्स फॉर्म 45, ओरिजिनल फॉर्म 45 में मेरे पास मौजूद हैं, ऐसे ही हमारे तमाम साथियों के पास मौजूद हैं। इसमें तहरीक इंसाफ मेरे वोट हैं 82,972, 82,972, जमात इस्लामी के हैं 32,363, और जो एमक्यूएम का जिता दिया गया उसके हैं 10,226। 10,226 वाले को 54,000 वोट कर दिए गए, मेरे 36,000 कर दिए गए, लेकिन ये फॉर्म 45 जो ओरिजिनल हमने अपने वकला के पास रखे हुए हैं, ये फॉर्म 45 आपका पीछा करेगा। एक एक डाकू का, चोर का, जिसने इस कौम के मैंडेट को, ये मेरा वोट नहीं है, ये पाकिस्तानियों ने दिया है, कराचियाइट्स ने दिया है, इस हल्के के अवाम ने दिया है, नौजवानों ने दिया है, बुजुर्गों ने दिया है, खवातीन ने दिया है, एक एक वोट का पीछा करेगी ये कौम, इनके एक एक वोट का हम पीछा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में भी हमारी पिटीशन हमने हाई कोर्ट में लगाई थी, वहां से इलेक्शन कमीशन भिजवाई इन्होंने, कल आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं, हम तो अभी जरा कोर्ट और इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, ये असल अदालत अवाम की लगेगी। अगर हमें रिलीफ ना मिला, अगर हमारे फॉर्म 45 को अगर नहीं गिना गिराया, तो जिनका ये वोट है, जो घर से निकले हैं, इंशाल्लाह उनके साथ इन डाकुओं का, इन चोरों का, जिन्होंने मैंडेट का डाका डाला है, और इनके सरपरस्तों का, इंशाल्लाह हम गली गली जाकर, एक एक ऑफिस जाकर, इलेक्शन कमीशन जाकर पीछा करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान में 180 सीटें हमारी हैं और सिंध में 22 एमएनए और 38 एमपीए की सीटें हमारे पास हैं, और ये इस किस्म का सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो हम जाग रहे हैं, हम सो नहीं रहे, और अपने मैंडेट को खोने नहीं देंगे इंशाल्लाह।